दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th वही तो करवा रहे हैं यार भैया। रोड से उस साइड में जाओ, रोड से उस साइड में। आज जो वीसी है विशेष रूप से इस एक एजेंडे पे ज़्यादा केंद्रित रही कि जो लेबर कल से इधर उधर जा रही थी उनको वहीं रोक दिया है और आगे मूवमेंट नहीं करने देना है और इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट जहाँ भी हैं वो वहीं रहेगी और जो बीच में मान लो फंस गए हैं बाहर से आ गए हैं और आगे नहीं जा पा रहे हैं तो वहाँ शेल्टर होम बनाएंगे हम और उनको वहीं रखेंगे। शेल्टर होम में पूरी सुविधाएँ देंगे, खाने पीने का इंतजाम करेंगे, जो NH के आसपास हैं वहाँ हैं तो NH ये भी उनको खाने की व्यवस्था के लिए तैयार हो गई है और आगे से बिल्कुल ही बंद कर दिया है, नहीं तो गुजरात की तरफ से यहाँ आने देंगे या यहाँ से यूपी की तरफ ज़्यादा जाते हैं तो वो जो लोगों में कल या परसों से दो दिन से बहुत ज़्यादा इस तरह का मैसेज हो गया था कि अब आगे चले जाना है तो वो बिल्कुल बंद कर दिया है, तो उसी पर ज़्यादा चर्चा हुई है। और उसके अलावा ये चीज़ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स पे ज़्यादा लागू होती है, हमारा क्या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है नहीं लेकिन फिर भी जो बीच में आ गए हैं लेबर कहीं फंस गए हैं उनके लिए सेंटर होम बना रहे हैं और वो चिन्हित कर रहे हैं, SDM से बात कर ली है हमने, नीचे भी सभी SDM से VC कर लिए और जितनी बात थी वो सब शेयर कर ली है, खाने के पैकेट्स वो टाइम पर दें, नीडी आदमियों को दें, लोग वहाँ पर लगातार रहें, फूड चेन है सप्लाई जो है उसको मेंटेन रखें और कहीं किसी को इधर उधर बाहर नहीं निकलने दें, ऐसे सब बिंदुओं पे जो आप लोग अखबार में पढ़ते रहें उन सब पे लगातार बात करके उनको सबको नीचे भी निर्देशित कर। दरगाह में भी कई लोग फंसे हैं, उनको भी कई लोगों नहीं, वो उस एरिया में जहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है वो तो वहीं रहेंगे और जो फंसे हुए हैं अभी मैंने बताया कि बाहर जाने का कोई नहीं है, नहीं जाने देंगे कहीं भी अब। नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकेंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-7804-6। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।